हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट और मैं फिर लेकर आई हूं वेब सीरीज का रिव्यू। आपको वेब सीरीज का नाम खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि ये इंडिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूं कोटा फैक्ट्री के बारे में, या कहा जाए तो इसके दूसरे सीजन के बारे में, क्योंकि उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा फेमस वेब सीरीज है और OTT प्लेटफॉर्म पर इसकी एक अलग जगह बनी है। ये सीरीज लोगों को इस वजह से भी अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसकी कहानी रियल लाइफ से रिलेटेड है। कैसे? वो ऐसे कि ये वेब सीरीज कोचिंग करने वाले छात्रों के जीवन पर आधारित है और ये उनकी डेली रूटीन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कोटा फैक्ट्री का सेकेंड पार्ट, जो कोटा शहर के चारों ओर घूमती है। ये स्टोरी वैभव, उदय, शिवांगी, मीना और जीतू भैया की है। इसके मेन लीडिंग एक्टर्स हैं जितेंद्र कुमार, मयूर मोरे, रंजन राज, आलम खान, एहसास चन्ना, रेवती पिल्लई और उर्वी सिंह। राजस्थान के बारे में तो हम सभी जानते हैं और वहां के शहर कोटा को लोग कोचिंग सेंटर के नाम से। कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ न जाने कितनी उम्मीदें लेकर स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ आकर उनकी जिंदगी की नई कहानियों की शुरुआत होती है। ये स्टोरी उन्हीं चेंजेस के बारे में है। इन दिस सीजन वी विल सी जीतू भैया, या कहा जाए तो जितेंद्र कुमार, अपनी प्रोडिगी क्लासेस को अलविदा कर देंगे और अपना खुद का एमर सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं। वहीं वैभव पांडे उर्फ मयूर मोरे को अपनी महेश्वरी क्लासेस में प्रॉब्लम्स आ रही है और उनकी गर्लफ्रेंड वर्तिका, या कहा जाए तो रेवती पिल्लई के साथ उनकी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती नजर आई है। मीना उर्फ बाल मुकुंद पांडे को एक टेंशन है। वो टेंशन ये है कि मीनल पारीक ने उनके दिल में जगह बना ली है, इसकी वजह से उनकी स्टडीज अफेक्ट हो रही है। ऑल कैरेक्टर्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड वियर्ड सिचुएशंस। सभी ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है, पर जीतू भैया ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। उनकी कोचिंग सेंटर खोलने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब का सामना जीतू भैया ने हंसते हंसते किया है। इतना ही नहीं, वो अपने स्टूडेंट्स के पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी चुटकी में हल कर रही हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में सामने हैं। In this season shows the environment of Kota that is created at the time of competitive exam results. अभी अगर हम स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस की बात करें तो कोटा फैक्ट्री का सेकंड सीजन लोगों को अपनी ओर बांधे रहती है। इस सीजन के डायरेक्टर राघव सुब्बू हैं और वो कहते हैं कि एक डायरेक्टर के तौर पर मैं ऐसी कहानियां बनाने की कोशिश करता हूं जो दर्शकों को प्रेरित और रोमांचित करे। हम बोल सकते हैं कि राघव सुब्बू ने बहुत अच्छे से इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। वहीं राइटर्स ने भी अपनी बात बहुत अच्छे से कहानी के तौर पर समझाई है। चलिए, तो आज का कोटा तो हुआ पूरा, अब लेती हूँ मैं आपसे विदा क्योंकि कल भी तो आना है गॉसिप अड्डा में आप सभी के लिए कुछ नया लेकर। टिल देन देखते रहिए JJN न्यूज़।